Good morning, hello student. I'm your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you, student? I hope you all are fine. Today I'm teaching you EVS. Now I'm going to take up chapter 6, public property. So students, chapter 6 ये आपके EVS के SST portion का chapter 6 है, जिसका name है public property. तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हम रीड कर चुके हैं और समझ भी चुके हैं. आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज. ओके, तो एक्सरसाइज आप अच्छे से समझेंगे, उसके बाद अपनी बुक में फिल करेंगे और उसके बाद आपका होमवर्क है कि आप इसे लर्न करेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट आपको दिया है टिक द करेक्ट आंसर. टिक द करेक्ट आंसर मतलब जो आंसर करेक्ट उसे टिक करना है. ओके, फर्स्ट आपको दिया है योर स्कूल यूनिफॉर्म बिलोंग्स टू. जो आपकी स्कूल यूनिफॉर्म होती है वो किसकी होती है? ए यू, बी योर ब्रदर, सी योर सिस्टर, डी योर फ्रेंड. आपकी, आपके ब्रदर की, आपकी सिस्टर की, आपके दोस्त की, किसकी होती है? यस, आपकी. तो ए यू आंसर क्या है इसका? ए यू. ओके, सेकेंड है थिंग्स दैट बिलोंग एक्सक्लूसिवली टू यू और आर ओन बाय योर एक्सक्लूसिवली आर कॉल्ड ए पब्लिक प्रॉपर्टी, बी प्राइवेट प्रॉपर्टी, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस. क्या पूछा गया क्वेश्चन में? बोला गया है वो चीज़ जो आपकी है, आप ही उसके ऑनर हैं, तो वो कैसी प्रॉपर्टी है? तो इसका आंसर है बी, प्राइवेट प्रॉपर्टी. ओके, थर्ड दिया है थिंग्स विच डू नॉट बिलोंग टू एनी पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप आर कॉल्ड. वो प्रॉपर्टी जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग नहीं करती, किसी ग्रुप से बिलोंग नहीं करती, वो सबकी है, तो वो कैसी कहलाती है? ए पब्लिक प्रॉपर्टी, बी प्राइवेट प्रॉपर्टी, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस. तो वो सबकी होती है, तो उसका आंसर क्या होगा? ए पब्लिक प्रॉपर्टी. ओके, फोर्थ दिया है स्कूल्स एंड रोड्स आर डैश प्रॉपर्टी. जो स्कूल्स और जो रोड हैं वो डैश प्रॉपर्टी हैं. कैसी हैं? ए पब्लिक, बी प्राइवेट, सी बोथ ऑफ दिस, डी नन ऑफ दिस. तो क्या इसका आंसर? ए पब्लिक. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएटेड वर्ड. आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं. तो फर्स्ट दिया है पार्क्स हैव डैश एंड ब्रांचेस टू. तो क्या आएगा इसमें? फाउंटेन, एफ ओ यू एन टी ए आई एन एस, फाउंटेन्स. ओके, सेकेंड दिया है वी ऑल गो टू द डैश टू स्टडी. हम सब कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? स्कूल, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल. थर्ड, वी शुड नॉट डैश ऑन द वॉल. हमें वॉल पे क्या नहीं करना चाहिए? लिखना नहीं चाहिए. तो राइट, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट. ओके, फोर्थ दिया है व्हाइल विजिटिंग अ पार्क यू शुड नॉट डैश फ्लावर. जब हम पार्क जाते हैं तो हमें फ्लावर को क्या नहीं करना चाहिए? पल्क नहीं करना चाहिए, मतलब तोड़ना नहीं चाहिए, पी एल यू सी के. ओके, फिफ्थ दिया है डैश मॉन्यूमेंट कम अंडर पब्लिक प्रॉपर्टी. कौन से मॉन्यूमेंट पब्लिक प्रॉपर्टी में आते हैं? तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, एच आई एस टी ओ आर आई सी ए एल, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. ओके, नेक्स्ट आपको दिया है मैच द टू कॉलम्स. आपको ये भी टू कॉलम्स जो उन्हें मैच करना है. तो ए के फर्स्ट में दिया है दे हेल्प अस एट नाइट. तो आंसर इसका है बी का फोर्थ, स्ट्रीट लाइट. ओके, ए के सेकंड पे दिया है वी रीड बुक्स हर हियर. तो वो आएगा बी के फिफ्थ पे, लाइब्रेरी. ए के थर्ड पे दिया है वी सिट एंड स्टडी हेयर. तो क्या आएगा? बी के फर्स्ट पे, क्लासरूम. ए के फोर्थ पे दिया है वी प्ले इन द इवनिंग. वो जाएगा बी के थर्ड पे, पार्क्स. ए के फिफ्थ पे दिया है वी यूज इट फॉर ट्रैवलिंग. तो आंसर है इसका बी का सेकंड, ट्रेन. ओके, तो एक बार और पढ़ते हैं. दे हेल्प अस एट नाइट. तो कौन हेल्प करता है नाइट में? स्ट्रीट लैम्प्स. नेक्स्ट है वी रीड बुक हेयर. तो लाइब्रेरी. वी सिट एंड स्टडी हेयर. तो क्लासरूम. वी प्ले इन द इवनिंग. तो पार्क. और वी यूज इट फॉर ट्रेवलिंग. तो ट्रेन्स. ओके स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गई एक्सरसाइज चैप्टर 6 पब्लिक प्रॉपर्टी की. आपको इसे बुक में फिल करना है और उसके बाद लर्न करना है. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.